हेलो मास्टर उज्जवल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका हमारे एनिमल क्विज 8 में स्वागत है। सो आर यू रेडी? यस। इस क्विज के दौरान आपके सामने 5 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। सो थिंक केयरफुली एंड आंसर। लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन शेड इट्स स्किन इन अ वन पीस? ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूरे स्किन को वन पीस में निकालता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए टॉर्टोइस, बी लियोपार्ड गिको, सी स्नेक, डी लिजर्ड। स्नेक। यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर, स्नेक। क्या आपको पता है उज्जवल, मैंने आपको जो भी ऑप्शंस दिए हैं ना, ये सब रेप्टाइल्स हैं और मोस्टली सब रेप्टाइल्स अपनी स्किन को चेंज करते हैं, शेड डाउन करते हैं, बट सिर्फ एक स्नेक ही है जो अपनी स्किन को वन पीस में शेड आउट करता है, वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। लुक एट द पिक्चर उज्जवल, सी हियर इज अ स्नेक विच इज शेडिंग इट्स स्किन। वो अपनी पूरी स्किन को वन पीस में निकाल रहा है। मैं भी एक बार पूछूं? यस उज्जवल, टेल मी। स्नेक क्यों अपनी स्किन को शेड करता है? हाँ, दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि स्नेक अपनी स्किन को क्यों शेड करता है या सारे रेप्टाइल्स अपनी स्किन को क्यों शेड करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब स्नेक ग्रो करता है तो इसकी अपर लेयर ऑफ स्किन साथ में ग्रो नहीं करती है, तो उसको जब स्नेक का साइज बढ़ता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ग्रोइंग एज में स्नेक ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स अपनी स्किन को शेड आउट करता है, बट जब वो एक मैच्योर स्नेक, एक बड़ा स्नेक बन जाता है, तो वो एवरी ईयर 2 और 4 टाइम्स अपनी स्किन को शेड आउट करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स यूरिन इज यूज इन मेडिसन? इनमें से कौन से जानवर का मूत्र दवाइयों के लिए यूज होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए काउ, बी हॉर्स, सी डॉग, डी गोट। काउ। यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर, काउ। आपको पता है काउ का यूरिन बहुत ही यूजफुल होता है। इंडिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ऐसे बहुत से नेबर इंडियन कंट्रीज हैं जहाँ पे इन काउ यूरिन को मेडिसन्स में यूज़ करा जाता है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है कि काउ का यूरिन कैंसर, थायराइड जैसी बीमारियों को सही कर देता है। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल एक्सहेल्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? ऐसा कौन सा जानवर है जो सांस को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए गोट, बी हॉर्स, सी काउ, डी शीप। काउ। यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर, काउ। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो काउ ऑक्सीजन एक्सहेल कर रही है वो इंटरनली प्रोड्यूस नहीं कर रही है जैसे प्लांट्स करते हैं। तो अब सोचने की बात यह है, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आए कहाँ से? वैसे तो सब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीद आउट, बट एक काउ एक ऐसा एनिमल है जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ करता है और मेजॉरिटी पार्ट ऑक्सीजन को वो एक्सहेल कर देता है। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल विदाउट बैकबोन? ऐसा सबसे बड़ा जानवर कौन सा है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए व्हेल, बी कोबरा, सी ऑक्टोपस, डी कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड। यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर, कोलोसल स्क्विड। जैसे कि आपको पता है, वैसे तो ब्लू व्हेल सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, बट उस एनिमल की बैकबोन होती है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि सबसे लार्जेस्ट एनिमल विदाउट बैकबोन, तो कोलोसल स्क्विड ही एक सबसे बड़ा एनिमल है जिसकी बैकबोन नहीं होती है। मामा, मैं एक बात बताऊँ? यस उज्जवल, टेल मी।
स्पर्म व्हेल इससे भी बड़ी होती है तो उसके लिए उसको खा जाती हैं। यस दैट्स अ करेक्ट। स्पर्म व्हेल कोलोसल स्क्विड से बड़ी होती है, दैट व्हाट वी आर सेइंग राइट। व्हेल्स आर बिगर देन कोलोसल स्क्विड और वो उसको खा जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्पर्म व्हेल जो है कोलोसल स्क्विड से बड़ी होती है। लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन इजिली कंपेयर द साइज ऑफ कोलोसल स्क्विड, स्पर्म व्हेल एंड द ब्लू व्हेल। ओके लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल हैज अ हार्ट इन इट्स हेड, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सर में उसका दिल होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए लॉबस्टर, बी श्रिम्प, सी ऑक्टोपस, डी जेलीफिश। श्रिम्प। यस दैट्स अ करेक्ट आंसर, श्रिम्प। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रिम्प की बॉडी में उसका एक हेड ही होता है जो हार्ड पार्ट होता है, जिसपे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से एक हेड ही होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स को सेव कर सकता है। इसलिए उसका हार्ट हेड में होता है और वहाँ से उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेट्स मूव टू योर स्कोर कार्ड। इट्स अगेन 5 out of 5। एक्सीलेंट व्यूअर्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज क्लिक ऑन अ लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।